गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टर। एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षित राज, कॉमरेड रियांश, कुसुम, हिमालयन गर्ल, रेनू ठाकुर, नक्शु। एम आई ऑडिबल? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है सबको? लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। बी फोकस्ड एंड फुल अटेंशन हियर। गुड मॉर्निंग रचना, पूजा चौहान, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, assessment of learning is related to the following points except किसको छोड़ के? इसमें से हम assessment of learning का जो part नहीं है बताएंगे। the requirement of the students, errors by the student, learning methods, students abilities। right option assessment of learning की जब हम बात करते हैं तो कौन सा इसमें से वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड पॉइंट नहीं है? बी कह रहे हैं एरर्स बाय द स्टूडेंट्स। असेस करना है तो बच्चे एरर करेंगे तभी तो हम असेस कर पाएंगे, राइट? तो क्या आएगा जो नहीं है बताओ? लर्निंग मेथड्स, स्टूडेंट्स एबिलिटीज, सी कह रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग मेथड्स। देखो असेस करना है, जहां पर एरर दिखे तो आप अपने मेथड्स भी उसी हिसाब से चेंज करोगे, राइट? सी कह रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज। एक्सेप्ट असेसमेंट, जब आप असेस कर रहे हो वहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है देखना कि रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये तो जब आप रेमिडियल चीजें देखते हो कि मुझे रेमेडी क्या देनी है, वहां पर आप देखो कि उसकी नीड क्या है, ठीक है? एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप असेस कर रहे हो जिसमें आप देख रहे हो आपका मेथड कैसा है, ठीक है? अपने आप को भी टीचर असेस करता है, ये नहीं हम स्टूडेंट्स को ही असेस कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें एरर्स बच्चे की देखी जाती है और उसकी एबिलिटी, ये सारी चीजें हम असेस करते हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ए इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है? अपने मार्क्स भी लिखते जाएं साथ साथ। असेसमेंट, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लर्निंग, कौन सा ट्रू है लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में? इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द लर्नर्स इमोशन, जो लर्निंग है इमोशंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हैज अ वीक कनेक्शन विद इमोशंस, बहुत वीक कनेक्शन होता है इमोशंस के साथ। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लर्नर्स इमोशंस या हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशंस। आंसर करें, राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर? लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से? कॉमरेड सेइंग डी, एस वी सेइंग डी, कुसुम, रेनू, हिमालयन गर्ल, ओके, एवरीबडी सेइंग डी। बिल्कुल ठीक है, डी, ठीक है? कैसे? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, देखो अफेक्ट तो करती है, ठीक है? देन लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लर्नर्स इमोशन, इमोशनली अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो लर्निंग पॉसिबल नहीं होती। हैज अ वीक कनेक्शन, ये कोई, ये दिस इज द वेग स्टेटमेंट, हाईली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है? डी इज द राइट ऑप्शन। तो बच्चे इमोशनली भी कितने मोटिवेटेड हैं डिपेंड्स, राइट? विच इज अ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टूल, कौन सा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टूल है बताएं? इंस्पेक्शन, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट, all of above, easy question। हमने किसी की continuous, बच्चों की continuous and comprehensive assessment करनी है, inspection के through कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? और questionnaire इससे भी कर सकते हैं, बच्चों को questionnaire देकर, checklist से भी कर सकते हैं। checklist क्या होता है कि ऐसे एक statement होती है, इस पे दो इस तरह से बॉक्सेस बने हैं, आपको या तो ये लगाना है या ये लगाना है, चेकलिस्ट होती है दोनों में से कोई एक, ठीक है? कोई ऐसे ऑप्शन लगाना है, इसी तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है, चेकलिस्ट। तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अलग अलग मेथड्स हैं। द इवेल्युएशन व्हिच इज डन ऑन गाइडलाइंस ऑफ द स्कूल्स बट नॉट एट द बोर्ड लेवल्स इज कॉल्ड, बोर्ड लेवल पे नहीं है, सिर्फ स्कूल की गाइडलाइंस से इवेल्युएशन हो रही है, बताइए? स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर आप इसको ढंग से पढ़ो तो क्या है? इवेल्युएशन व्हिच इज डन ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द स्कूल ओनली
बट नॉट एट द बोर्ड लेवल. आंसर इज इवेल्यूएशन स्कूल बेस पे हो रही है सिर्फ. क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, इतना बड़ा मैंने हिंट दे दिया. अभी भी कुछ लोग सी पे अटके हुए हैं. ऑब्जर्वेशन कॉम्रेड सेइंग डी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट. क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएशन विच इज डन ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द स्कूल. स्कूल के अंदर ही गाइडलाइंस हो रही है इवेल्युएशन की. बोर्ड बाहर से जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड की तरफ से, बाहर की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है उनके लेवल पे, तो वो क्या चीज है इसमें सब. स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन क्योंकि स्कूल के अंदर हो रही है, ठीक है. इंस्पेक्शन भी बोर्ड के थ्रू हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी और असेसमेंट भी. तो एक ये स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन है जो कि सिर्फ स्कूल में ही होती है, तो गाइडलाइंस ऑफ द स्कूल में तो स्कूल बेस्ड, ठीक है. इवेल्युएशन ए इज द राइट ऑप्शन, जिसका ए है बिल्कुल ठीक है. क्राइटेरिया ऑफ गुड इवेल्युएशन, गुड इवेल्युएशन का क्राइटेरिया, मूल्यांकन का अच्छा मानदंड कौन सा है बताइए. रीजनेबल और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव. आंसर आंसर इज क्राइटेरिया ऑफ गुड इवेल्युएशन शुड बी, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हियर. वेरी गुड, एवरीबडी सेइंग डी. वेरी गुड, रीजनेबल होना चाहिए, है ना. प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू आपको जजमेंट देनी है, मूल्यांकन करना है. ट्रस्टवर्दी होना चाहिए बिल्कुल. कंपेरेबल मतलब एवरेज से कितना है, ज्यादा या कम है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसका रैंक डिसाइड करते हो किसी भी स्टूडेंट का. तो डी इज द राइट ऑप्शन हेयर. आफ्टर मेकिंग अ टीचर क्वेश्चन पेपर इट चेक्स, जब एक टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया, इट चेक्स वेदर द क्वेश्चन आर बीइंग एग्जामिन्ड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट और नॉट. क्या ये क्वेश्चन पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा है, ठीक है. जैसे इस सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, क्या ये क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं कि बच्चों को सीडीपी का ज्ञान होगा, या मैं बीच में साइंस मैथ पढ़ा रही हूँ या हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं. इट इज कंसर्न्ड विद वैलिडिटी टू इंक्लूड इंटायर सब्जेक्ट मैटर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रिलायबिलिटी. आंसर करें, आंसर करें. बहुत अच्छे से रिलायबिलिटी वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया गया है, ठीक है. जितनी भी हमारे पिछले यूट्यूब की वीडियोज है, यू कैन वॉच दैट. ओके, ए कह रहे हैं कुछ, डी कह रहे हैं. अभी भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे कुछ लोग अटके हुए हैं, ठीक है. रिलायबिलिटी का कीवर्ड है व्हेन देयर इज कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, ठीक है. जब आप एक बार टेस्ट ले रहे हो, कुछ टाइम बाद फिर से ले रहे हो, कंसिस्टेंसी आपको दिखती है स्कोर्स में, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी किसकी, स्कोर्स की नहीं, आपके टेस्ट की, ठीक है. जो आपने टेस्ट दिया है वो रिलायबल है. और वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने टेस्ट बनाया है, क्या मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, दैट इज द वैलिडिटी. सो ए इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है. क्या मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है या नहीं, ओके. वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट मे बी डिफाइंड एज एक्यूरेसी विद व्हिच द टेस्ट मेजर व्हाट इट परपोर्ट्स टू मेजर. जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने टेस्ट बनाया है, क्या वो मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है या नहीं, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी. नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज इंप्लीमेंटेड बाय, सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. स्किनर, कोलर, पावलोव, टेलर. आंसर इज ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज गिवन बाय ए स्किनर. वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. कोलर ने क्या दिया बताओ, कोलर ने कौन सी थ्योरी दी है, राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स. कोलर गेव विच थ्योरी. ओ माय गॉड, मोरल मोरल कोहलबर्ग. फिर कोहलबर्ग ने क्या दिया बताओ, कोहलबर्ग और कोलर क्या डिफरेंस है. यहाँ गड़बड़ करोगे आप, आपको थोड़ा नाम ही क्लैरिटी हो इसलिए मैंने बोला है. जितनी भी मैंने थ्योरीज करवाई हैं कोर्स में, आपको उसका चार्ट बनाना है और अपनी दीवार पे लगाना है, सो दैट आपको याद आ जाए सब कुछ. इनसाइट कोलर, बिल्कुल ठीक है. कोलर का इनसाइट, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट. ओके, कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, इसको ध्यान में रखना है.
ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्किनर इज द राइट ऑप्शन. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव गिवन थ्योरीज रिलेटेड टू बिहेवियरल एसोसिएशन. बिहेवियर से रिलेटेड थ्योरीज किन्होंने दी है? थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव, ऑल ऑफ अबव. आंसर इज थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव. बिहेवियरल एसोसिएशन इसका आंसर करें. कॉमरेड सिंह मैम, कंफ्यूजन हो गया. हाँ, अगर आपको नाम अच्छे से याद हो, कोलर, कोहलबर्ग, ठीक है, बार बार करोगे, रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो यू विल रिमेम्बर. ओके, डी कह रहे हैं स्टूडेंट्स, डी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, सभी के सभी एसोसिएशन से, बिहेवियरल एसोसिएशन इसमें एम्फेसिस करते हैं. ठीक है, बिहेवियरल एसोसिएशन, थॉर्नडाइक भी, वॉटसन भी. फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है ये बताओ, राइट इन द चैट बॉक्स. हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म. पहले किसी ने लिख दिया, कुसुम सिंह, वॉटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉटसन जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है. ओके, क्लियर. बिहेवियरल साइकोलॉजी, जहां पर एसोसिएशन होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का. ओके, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट इट इज नेसेसरी टू रिपीट द टास्क टू लर्न. ठीक है, किसी भी टास्क को लर्न करने के लिए आपको रेपिटेशन करना होगा. कौन सी थ्योरी में बोला गया है? थ्योरी ऑफ इफेक्ट एंड एरर, थ्योरी ऑफ क्लासिकल एंगेजमेंट, थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेशन. आंसर करें, आंसर, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज द कीवर्ड वी हैव, रिपीट द टास्क टू लर्न. आंसर इज थॉर्नडाइक, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन. थ्योरी ऑफ एफर्ट एंड एरर, मतलब तीन तरह के प्रिंसिपल्स दिए थे थॉर्नडाइक ने. कौन से? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस. ठीक है, द रूल ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड टू लर्निंग इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट. रूल ऑफ प्रैक्टिस, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैस्लो, प्याजे. वेरी इजी क्वेश्चन, बी कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बी बिल्कुल ठीक है. देखिए, प्रैक्टिस, रूल ऑफ प्रैक्टिस रिलेटेड टू थॉर्नडाइक. ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से आपके एरर कम होते हैं. तो यहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस. ठीक है, जब बच्चा रेडी होता है कुछ सीखने के लिए, दैट इज अ प्राइमरी लॉ. ठीक है, तीनों प्राइमरी लॉज है. देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जब आप प्रैक्टिस करते हो, एंड लॉ ऑफ इफेक्ट, जब उसका रिजल्ट आता है, कॉन्सिक्वेंस आता है. इसको बहुत डिटेल में कोर्स में सिखाया गया है, टू वॉच द कोर्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लर्निंग. इज दिस ब्लर्ड स्क्रीन, इज ब्लर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लर्निंग का बताओ पार्ट कौन सा नहीं है? फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, टेक्स्ट बुक. कुछ कह रहे हैं यस मैम, कुछ कह रहे हैं नो मैम. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सभी आंसर करो कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है इनफॉर्मल का. डी बिल्कुल ठीक है, टेक्स्ट बुक इज नॉट द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन. ठीक है, विच इज, व्हाट इज रिलेटेड टू लर्निंग, लर्निंग से रिलेटेड कौन सा है? यूनिवर्सल, कॉन्टिन्यूस, अडाप्टेशन, ऑल ऑफ अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग, लर्निंग किससे होती है? यूनिवर्सल लर्निंग होती है, यूनिवर्सल है ना लर्निंग, है ना, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. देन हर कोई कुछ ना कुछ सीखता रहता है. देन कॉन्टिन्यूस, अगर कोई नहीं सीखता तो नेचर, प्रकृति सिखा देती है. ठीक है, लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस है, कुछ भी ऐसी चीजें, लाइफ ही बहुत कुछ सिखा देती है. ठीक है, तो इट इज अ यूनिवर्सल. देन कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलती रहती है. अडैप्टेशन, ये भी लर्निंग का पार्ट है. So D is the right option here. ठीक है, children coming from a socio-economically deprived background, socio-economically deprived background से बच्चे जो है require classroom environment. कैसा environment उनको चाहिए classroom का?
विच डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज. देखो पहली स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है, नेगेटिव बात गलत बात. कैटेगराइज चिल्ड्रन, बच्चों को कैटेगराइज कर दो बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज. टीचेस देम गुड बिहेवियर, मतलब वो अच्छा बिहेवियर नहीं लेकर आते अगर वो डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आए हैं. वैल्यू देयर कल्चरल लैंग्वेज एंड यूजेस देम, उनकी कल्चरल वैल्यू को, कल्चरल लैंग्वेज को वैल्यू करो और उसको यूज करो साथ में. आंसर इज, मेरे ऑप्शन बताने के स्टाइल से ही आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो ये तीनों नेगेटिव सेंस है, दिस इज अ पॉजिटिव ओनली. ओके, डी इज द राइट ऑप्शन हियर. ओके, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग पैटर्न आइडेंटिफाई दोज चिल्ड्रन हु आर क्रिएटिव रिजिलिएंट डिसेबल्ड डिसलेक्सिक. आंसर करें. डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिस इज द की वर्ड इटसेल्फ, ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, क्रिएटिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब डाइवर्स आइडिया, क्रिएटिविटी. ठीक है, रिजिलियंट मतलब कि जब भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस, आप कितनी जल्दी बैक बाउंस करते हो. ठीक है, बाउंस बैक, राइट. रिजिलियंस, रिजिलियंस मतलब आप उस चीज को, चैलेंज को हैप्पीली फेस करके फिर से जल्दी रिकवर करके आप में कितनी सहन पेशेंस है. ठीक है, आप फिर उसके बाद फिर भी आप लगे रहते हो, राइट. डिसेबल्ड, डिसेबल्ड विकलांग या डिसलेक्सिक जो कि रीडिंग डिसऑर्डर है, राइट. तो क्रिएटिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्स आइडियाज, दैट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी. ठीक है, ओके. द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म. आंसर इज, आंसर इज कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस है, ह्यूमनिज्म या बिहेवियरिज्म. जो NCF 2005 की अगर हम बात करें, ए इज द राइट ऑप्शन. बिल्कुल सही, सबका ए है, कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज सेंटर्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन नॉलेज एंड लर्निंग इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर. ठीक है, प्याजे जो है और वेगोत्स्की जो है, उन्होंने भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की है. ठीक है, कि आप खुद से कैसे सीखते हो, नॉट पैसिवली रिसीव्ड, जो बाहर से आ रहा है बस वो पैसिवली रिसीव करो, ऐसा नहीं है. कंस्ट्रक्टिविज्म खुद से रचना करना, ज्ञान का निर्माण करना थ्रू एक्टिविटी, राइट. तो ये थे हमारे क्वेश्चन. ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा. टेल मी योर मार्क्स. यस, 14, 15, रक्षा गर्ग 14, ओके, नेहा शर्मा 14, 14, ठीक है, गुड. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एमसीक्यूज के साथ. और क्लास अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. ओके, और कुछ लोग कह रहे थे मैम नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन को भी प्रेस करें. क्लियर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एमसीक्यूज के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.